संदिग्ध परिस्थिति में मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल से गिरी महिला मरीज की मौत। कोतवाली क्षेत्र के पबला रोड स्थित एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला मंगलवार की दोपहर करीब 4 बजे संदिग्ध हालत में चौथी मंजिल से गिरकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। देर शाम को महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार थाना धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा निवासी सुखपाल दिव्यांग है। मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार में पत्नी और 2 पुत्र है। पीड़ित सुखपाल की पत्नी किरण भी दिव्यांग थी। 45 वर्षीय किरण काफी समय से लीवर की बीमारी से ग्रस्त थी। 4 दिन पूर्व पिलखुवा के पबला रोड स्थित एक मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस के अनुसार मंगलवार की दोपहर को पति सुखपाल और पत्नी किरण खाना लेने के लिए अस्पताल परिसर में जा रहे थे। खिड़की खुली होने के चलते किरण चौथी मंजिल से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने आनन फानन में उपचार के लिए ICU में भर्ती किया। देर शाम को किरण की उपचार के दौरान मौत हो गई। किरण की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि कुछ लोगों ने आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। CO अनीता चौहान ने बताया कि अभी परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। चौथी मंजिल से गिरकर महिला की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी कहाँ के हो? मोहल्ला घड़ी पिलखुवा। आज यहाँ अस्पताल पे आए हो, क्या मामला? मामला ये था जी, मेरी सिस्टर यहाँ भर्ती थी, अपाहिज है टांगों से, और चौथी मंजिल से वो गिरी है। चौथी मंजिल से गिरी, जबकि उसके पैर इतने अपाहिज हैं वो कि वो ना तो खिड़की पर खड़ी हो सकती ना गिर सकती, वो गिरी गई है यहाँ से। ये मैं दावा कर रहा हूँ अपने चैनल से, आपके चैनल से ये दावा कर रहा हूँ कि वो गिरी गई है और आज वो ICU में भर्ती हैं, और वो इस टाइम भी मतलब ये समझ लो वो ख़त्म है, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि जीवित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता। कहाँ की हो? नहरेसी की बहू। यहाँ अस्पताल में आई हो, क्या मामला है? मामला ये है कि हमने 20 तारीख को इन्हें भर्ती करा था यहाँ एडमिट। हम 20 तारीख को इन्हें एक कैंप द्वारा भर्ती करा गया था इन्हें। जब कैंप द्वारा भर्ती करा तो हम शाम के टाइम इन्हें देखना आए, चारों दौरानी जी ठाने खूब बात करते गए। इन्होंने कहा हमारे चेकअप हो रहे हैं। चेकअप के बाद फिर हमने रात इन्हों से बात करी, कल ये होकर गए सब। मैं नहीं आ पाई ही, मैं आता हूँ और मैं उसमें जॉब करती हूँ, तो इनकी सब देख कर गए। सुबह भी इनकी बात हुई है, रात मेरी इस टाइम इनसे बात हुई। मैं कहा दीदी कैसे हो? ममता ठीक है, तो सिर्फ एक पथरी आई है मेरे में। मैं कहा अच्छी है जी। मैं कहा वैसे सब चीज़ नॉर्मल है? बिल्कुल सब चीज़ नॉर्मल है। अरे वे विकलांग के ना उनके पैर मुड़े हुए हैं, हाथ मुड़े हुए हैं, उनसे पकड़ के सीढ़ी पे भी चढ़ाएंगे तो पकड़ के चढ़ाएंगे हम बाथरूम के लाग भी। यदि बच्चे हैं इनके, बच्चे बाथरूम करने को लैट्रिन करने को अंदर ले कर जाएंगे, इन्हें पानी भर के देंगे। उन पर इतना भी नहीं कि उठ के ऐसे कुछ बाल्टी में पानी या कोई चीज़ खाने की ले सकें, इतनी परेशानी। खाली बस उनका दिल घबरा रहा था, इसलिए एडमिट करा गया था उन्हें। बिल्कुल अच्छे से बोल रही है, अच्छे से खा रही है, सारी चीज़ नॉर्मल। कल पथरी आई है, पथरी बताई है बस। और वे हमारे जेठ जो हैं उनके लिए खाना आया, वे खाना खाने के लिए पानी लेने गए, वहाँ पर सिर्फ स्टाफ था। अरे ये ऐसे गैलरी में घूम रही थी तो उस और कल छुट्टी मांगे, इन्होंने छुट्टी भी नहीं दी। उसी दौरान ये तो पानी लेने गए, स्टाफ ने इन्हें नीचे डाल दिया अपने बिजनेस करने के लिए, कि जबकि सब चीज नॉर्मल आई है। क्या तो यहाँ किडनी का व्यापार होता है या किसी भी चीज का व्यापार होता है? जो मरीज एडमिट है उसका नाम क्या है? उसका किरण। उनके पति का नाम क्या है? सुखपाल। क्या नाम है आपका? सुखपाल। कहाँ के हो? देहरे के। यहाँ पर हॉस्पिटल में हो आप, क्या मामला? इसे मैं हॉस्पिटल में भर्ती करी, मैंने 4 दिन हो गए, और कैंप की ओर से आया है। सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई,
इन्होंने कही घबराहट जो हो रही है ये पथरी की वजह से हो रही है। मैं कहने लगा जी पथरी तो यूँ अब से 14-15 साल से है, तो इसके लोग घबराहट उससे ही हो रही है। मैं जी इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, अब घबराहट तो यूँ अब एक डेढ़ दो महीने से हो रही है। मैंने गांव में दिखाई तो सब लोग कह रहे हैं मुझे इसे भर्ती कर दो भर्ती कर दो। मैं कैंप की वजह से, मैं बहुत आदमी मेरे बस के पैसे नहीं थे, मैं जो कैंप की वजह से गांव का ही लोग रहा, वो बहू लेगा काट के उसने मेरे गैल आया सारी जो मैंने जो भर्ती करवाई वो यहाँ से मेरे दौरे से 3 बजे गया भर्ती करवा के चेक वेक हो के कहने लगा अंकल जी मैं अब जा रहा हूँ तुम्हारी ये भर्ती हो गई है, जो भी दवा आवे तुम नीचे से ले लियो क्या जो कोई जावे आगे। फिर आगे क्या हुआ? बस फिर सवेरी 12 बजे लो घबराहट ज़्यादा हो रही है सवेरे से, अब 1 बजे लो, 1 बजने में 5 मिनट ही मैं कह लगा जी मैं देखो मैं कह लगा मैं पानी भर लाऊँ रोटी को टाइम नू कह लगी बैठी नू भर लाओ, मैंने पानी ला कर धर दिया है, अब मैंने पानी ला कर धर दिया मैं कह लगा मैं अभी वो कह लगी रोटी का टाइम भी होगा आने वाला, मैं ठीक है तो मैं कह लगी मेरा पेट गुम हो रहा है नू मैं एक आध चक्कर मार लूँ, मुझे चक्कर मारने को मैं कह लगा मैं कभी तू गिर पड़े लोग मैं दीवार पकड़ के तनमन से यहाँ दो पाँव धर लूँ, और उसने जिस दीवार की ओट में होकर एक बेर तो मुझे मुँह दिखा दिया है। मैं भीतरे बेड पर रोटी को इंतजार में हाँ क्यों मेरे रोटी लाने वाला कोई बच्चा नहीं था, मैं उनसे नू कह दिया मैं एक दो रोटी मुझे खा दी तो मैं वही खा कर गुजारा करता, अब मैं वहीं बैठा इतने तो मैंने रोटी ले भी नहीं पाया, इतने मेरे दौरे गार्ड सारे के आदमी को हो रहा वो मैंने पहचानने नहीं आया नुक तुम्हारा भी यहाँ से आदमी विकलांग जलानी मैं कह लगा जी मेरी जलानी है क्यों क्या होगा बात बता दो, नुक वो ऊपर से गिर पड़ी है अरे ऐसे से बात ऑफिस में उसमें आईसीयू में भर्ती है और तुम आ जाओ। तो क्या नाम है मरीज का जो एडमिट है? किरणवती है। कितनी उम्र रही होगी उनकी? उसकी करीब ऐसी है 40-45 क्या ज़्यादा 50 की। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में भाई का कौन नाम बताऊँ? अपना मेरा नाम सुखपाल है। दो बेटे वगैरह कौन कौन है? बेटा एक सुनील है जो बड़ा है वो ऐसा ही है 16-17 साल का, जो छोटा है वो 10-11 साल का वो अभी समझ है। वो बेटा कुछ काम करता है? ना बड़ा जी जो तनमनसा वो मेरी मजबूरी को देख कर किसी की नो अपना देखभाल कर लिया चला जा रहा, मेरे बस की जा कुछ भी करना ना कोई।